हेलो गाइज, मैं हूं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल नेस गेल में। तो गाइज, आज की वीडियो है एक्सप्रेस 7 जो कि 40 डिग्री ईस्ट पर है। गाइज, इस पर जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसे देख लीजिए। वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी वीडियो दे दूँगा। तो गाइज, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया, बहुत ही आप लोगों का प्यार मिला और बहुत लोगों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मुझे कमेंट किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या 2 फीट पर हमारे इलाके में सेट हो जाएगा, इंडिया में कहाँ कहाँ सेट हो सकता है, पूरे इंडिया में हो सकता है या फिर इंडिया में कुछ कुछ जगह पर ही 2 फीट पर सेट हो सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बताऊंगा डिटेल में। गाइज, वीडियो में कंप्लीट बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी। तो गाइस, इसके लिए हमें क्या करना होगा जो हम खुद ही जान सकें, किसी से भी पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो गाइस, ये सब समझाने के लिए हम चलते हैं गूगल में। तो वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो आपके इलाके में कौन से सैटेलाइट का कितना कवरेज है। तो गाइस, ये सब जानने के लिए वीडियो को मैं कंप्लीट बने रहें और वीडियो को स्किप ज़रा भी मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, चलिए हम चलते हैं गूगल में और वहां पर जाकर देखते हैं। दोस्तों, सब कुछ डिटेल में समझाने के लिए हम गूगल में आ चुके हैं और गूगल में जैसे ही आप आते हो तो आपको सर्च करना है सेट बीम्स लिखना है आपको। जैसे ही आप लिखेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। तो गाइस, यहां पर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब सेटेलाइट के, जैसे ही आप जूम करते हो तो सेटेलाइट के यहाँ पर कुछ बने हुए हैं ये चिन्ह। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको कोई ना कोई सेटेलाइट मिल जाएगा, जैसे 30, 20, 10। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो हॉटबर्ड 13 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर कोई ना कोई सेटेलाइट आ जाएगा। हम 40 की बात कर रहे हैं सेटेलाइट की, जो 40 डिग्री ईस्ट पर है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हम जूम आउट कर देते हैं यहाँ पर। तो गाइस, 40 ईस्ट का जो पहला बीम है जो कि सी बैंड है, यहाँ कवरेज बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। गाइस, सी बैंड पर आपको कवरेज बहुत ही कम मिलेगा। ये देखिए, ये पहला बीम है सी बैंड का। तो गाइस, अगर दूसरे बीम पर हम क्लिक करते हैं तो दूसरे बीम का भी हमारे इंडिया में कवरेज नहीं है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे बीम की ओर, तीसरे बीम का भी कवरेज इंडिया में आसपास कहीं भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं चौथे बीम की ओर। और यहाँ पर जैसे हम चौथे बीम पर आते हैं तो जो फिक्स्ड 3 बीम है इसका फुल कवरेज है 2 फीट डिश एंटीना पर। इस बीम पर हमें 2 फीट पर फुल सिग्नल मिल जाएंगे आराम से। बस आप धैर्य से आराम से इसे सेट करिए, 2 फीट पर पूरे इंडिया में आराम से सेट हो जाएगा। यही एक बीम है जिसका कवरेज अच्छा है इंडिया में। तो गाइस, इस बीम का जो टीपी है आप उठा लीजिए, ये देखिए क्यू बैंड फिक्स्ड 3 बीम, इस बीम का टीपी उठा लीजिए, आप आराम से 2 फीट पर कहीं भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, आपको थोड़ा सा मैं और भी समझा दूँ। जैसे ही आप जूम करते हो, ये देखिए, जैसे ही आप जूम करते हो, मान लीजिए मेरी सिटी है अमृतसर, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए डिटेल में। गाइस, ऐसे आपको कोई भी समझाएगा नहीं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो गाइस, 23 इंच का जो डिश एंटीना है इतना डिश लगेगा, यानी कि 2 फीट में आराम से सेट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कहीं किसी और इलाके में, आपको समझाने के लिए गाइस मैं ये सब आपको दिखा रहा हूँ। हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर भी हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर भी 23 इंच का जो डिश एंटीना है लगेगा,
आप अब समझ ही गए होंगे कि ऑल इंडिया में इसे 2 फीट पर आराम से सेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आराम से सेट करना है, आराम से, तभी आप सेट कर पाओगे। इसका बहुत ही अच्छा कवरेज है 2 फीट पर पूरे इंडिया में। तो गाइस, आप उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपने इलाके में चेक करना है कि कौन से बीम का कितना कवरेज है, कितना डिश एंटीना लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विज़िट किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आगे भी हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और सैटेलाइट को ट्रैक करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।